स्मार्ट मीटर लगाना बंद करो। तो यहाँ कुछ लोग पिछले 3-4 दिनों से ऑलरेडी भूख हड़ताल पर थे, मैंने आज ज्वाइन किया है। आप पीछे बैनर देखिए, किसी पार्टी का झंडा या निशान नहीं है, तिरंगा लगा हुआ है। तो इसका कहने का मैसेज ये जाता है कि हमें ऐसे प्लेटफॉर्म की इस वक्त इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे जो किसी भी पार्टी के बड़े बड़े लीडर्स थे, वो सो कॉल्ड लीडर्स आज कहीं नज़र नहीं आ रहे। जब भी जनता के मुद्दों की बात होती है तो वही छुप कर बैठ जाते हैं। तो फिर हम जैसे लोग जो अभी शायद नए हैं सियासत में या फिर जनता के मुद्दों की बात रखते रहते हैं, उन्हें इस मंच पर, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, चाहे एनसी से हैं, कांग्रेस से हैं, आम आदमी पार्टी से हैं, पीडीपी, किसी भी, आप कुछ कोई भी हो सकते हैं, आप हमें ज्वाइन करिए। इस वक्त मैं कोटली शाहदुल्ला में हूँ, एक जंक्शन है जहाँ से जम्मू, आरएसपुरा, सुचेतगढ़, बिश्ना एरिया यहाँ पास पड़ते हैं। कल 1:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच में यहाँ एकत्रित होके हमारी आवाज़ बुलंद कीजिए। जो लोग यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं, सिर्फ इन्हीं के घर में स्मार्ट मीटर्स नहीं लग रहे, आप सभी लोगों के, जम्मू कश्मीर के हर वासी के घर में स्मार्ट मीटर लग रहे हैं और आगे भी लगेंगे। तो अगर इस वक्त हम लोग नहीं बोले तो शायद कभी हम बोल भी नहीं पाएंगे। तो इसलिए हाथ जोड़कर आप सभी से निवेदन करती हूँ, इस तपती धूप में आके बैठिए हमारे पास ताकि हमारी आवाज़ बुलंद हो और एलजी प्रशासन तक हमारी ये मांग पहुँचे कि बिजली का बोझ गरीब तबके पर ना डाला जाए, जिनकी ऑलरेडी महंगाई और भ्रष्टाचार ने इतनी कमर तोड़ के रख दी है कि अब वो बिजली के बिल भी नहीं भर पाएंगे। यहाँ लोगों के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना मुश्किल है और आप पीडीडी डिपार्टमेंट छीन के लेंगे। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।